वाइफ को ही गिफ्ट कर देता है। हाँ, रॉन्ग मिस्टेक। हाँ, तो आप बताइए कि शॉर्ट फिल्म में कितना इंटरेस्ट लेते हैं आप? मैं इनफैक्ट अभी एक दिवाली शॉर्ट फिल्म अभी कंप्लीट की है, सो आई एम रियली, शॉर्ट फिल्म का फॉर्मेट बड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा है कि एक शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स को क्रिटिक्स दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये है कि आज पता चलेगा कि एक्चुअली क्रिटिक्स देखते क्या हैं, कि शॉर्ट फिल्म के फॉर्मेट में क्या है क्या नहीं है। एंड मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है और शुरुआत को हम सबको वेलकम करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई राजीव मस्तान और भारती प्रधान, अनुपमा चोपड़ा, मतलब बड़े बड़े क्रिटिक्स इसको मतलब देयर गुड बी वॉचिंग एंड गिविंग देयर जजमेंट ऑन दी अवार्ड्स। मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ही होगा। मतलब जितने अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स का काम हम देख सकते हैं, आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, क्योंकि यू नो अनफॉर्चुनेटली बहुत से फिल्म मेकर्स होते हैं जिनका काम हमें नहीं देखने को मिलता है। एंड आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप उनको जानते हैं, उनका काम देखते हैं एंड आई थिंक उन्हें उनका काम सहराते हैं। सो आई थिंक यू नो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एनकरेज फिल्म मेकर्स टू यू नो कम फॉरवर्ड एंड मेक मोर एंड मोर कॉन्टेंट एंड मोर मूवीज। आने वाले दिनों में हम आपको और भी शॉर्ट फिल्में देखेंगे? शॉर्ट फिल्म्स हाँ, मैंने अभी एक ही है और वो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो कब रिलीज होगी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो किस तरह कैरेक्टर होने वाला है आपका उस शॉर्ट फिल्म में और क्या नाम होने वाला है? उस फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उसको अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने पिंक डायरेक्ट की थी और ये उनकी पहली शॉर्ट फिल्म है आई थिंक इस पोर्टल के लिए। एंड या आई थिंक इट्स एक्साइटिंग टू सी वॉट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया, अब डायरेक्टर संभालेगा। आपके ब्यूटीफुल अटायर के बारे में जानना चाहेंगे, तो झुमका बहुत अच्छे मेरा झुमका है 1011 करके एक स्टोर है जिन्होंने अहमदाबाद से भेजा ये, एंड काफ़ी दिनों से मेरे पास था और मैं सोच रही थी किसी अच्छे से आउटफिट के साथ इसको पहनूँ, तो आज मज़ेदार आउटफिट मेरा उसके साथ पहन लिया। करने वाले पता नहीं, अब अगले साल ही देखेंगे, अब तो अगले साल रिलीज होने वाली है फिल्म। वेब सीरीज में बिलीव करते हैं आप? हाल फिलहाल में ढेर सारी वेब सीरीज आ रही है और बहुत ही अच्छा कर रही है, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल रहे हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे किरदार लिखे जा रहे हैं और बहुत अच्छा समय है फीमेल एक्टर्स के लिए। जो कैरेक्टर्स आप शायद मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों में ना देखें वो वेब सीरीज़ में देखने को मिल रहे हैं। एंड न्यू ईयर भी आ रहा है, तो क्या कुछ रेजोल्यूशन होता है अहाना की तरफ से? नहीं, मुझे बस मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा, बहुत ही फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की आदत है और मैं उसको बहुत लोकी रखती हूँ। मुझे लगता है कि हर साल आपको अपने पेरेंट्स के साथ और अपने घर वालों के साथ वो सेलिब्रेट करना चाहिए, ना ही कि इधर उधर जाकर किसी पार्टी में आप अटक जाएँ। सो मैं अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करती हूँ। न्यू ईयर विश आपकी तरफ से? न्यू ईयर विश सबको, ओके सारे फैंस, हियर इज विशिंग यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ प्रॉस्पेरस एंड अ हेल्दी वन। थैंक यू जी। थैंक यू। तो ये सभी आपको नए नाम से बुला रहे हैं, कालीन भैया, आप बताइए आप कितना सुनना पसंद करते हैं? यार मैं पहले से ही, मुझे लोग किरदार के नाम से जानते हैं, पहले सुल्तान बोलते थे वासेपुर में, फिर पंडित जी बोलते हैं, तो ये अच्छा है कि अभिनेता की पहचान उसके किरदारों से हो, कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिनेमा इम्पोर्टेंट है, किरदार इम्पोर्टेंट है। और इनको इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें देसी कट्टा भी चाहिए, वो तो क्या हाल है रवि जी, तो हम कट्टा वट्टा थोड़ी बेचते हैं यार, अभिनय करते हैं, तुम फंसवाओगे। ओके, नहीं ये सब तो किरदार की बात होती है, शॉर्ट फिल्म अवार्ड है तो आप बताइए कि आपको कितनी पसंद आती है शॉर्ट फिल्में? बेहद। मैं इनफैक्ट ये आज बता रहा हूँ कि स्त्री में जो किया था उसके पीछे वो डायरेक्टर अमर कौशिक की शॉर्ट फिल्म थी आबा, जो बर्लिन में जिसको अवार्ड मिला था, वो इतनी मुझे पसंद आई थी कि मेरा भरोसा बढ़ गया था अमर में कि यार ये डायरेक्टर कमाल है। तो शॉर्ट फिल्में ही तो गेटवे हैं फीचर फिल्म की, यही डायरेक्टर कल को बड़ी फिल्में बनाएंगे जो ये शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, तो कमाल है। थैंक यू। मिर्जापुर की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है पार्ट टू की, करेक्ट? कौन बोला? ऐसा आपके कुछ
एक किरदार कह के जा चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें आ रही, गुड्डू भैया जब आएंगे, हाँ अभी तो घायल होके गए हैं, जब आएंगे तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से आएंगे, तो आपको डर है कुछ उनसे? या मुन्ना, मेरा दोस्त है अली फजल, काहे का डर हो रहा, हम एक्टिंग कर रहे हैं यार। चलो थैंक यू। जी आप भी थे वहाँ? हाँ, आप ही सवाल पूछ रहे थे। हम बहुत खुश हैं कि लोगों को मिर्ज़ापुर बहुत पसंद आया है और सबके कैरेक्टर्स पसंद आए हैं, तो सब पूछ रहे हैं सीजन 2 कब आएगा, और जब भी हमें पता चलेगा तभी हम लोगों को बताएंगे, पर यस बहुत बहुत खुश हैं कि लोगों को पसंद आया। नया नाम मिला है आपको? स्वीटी। हाँ जी। ये नाम कितना पसंद है आपको? अभी तो पसंद ही है, अच्छा लगता है जब लोग स्वीटी स्वीटी करके बुलाते हैं, और लोगों को कैरेक्टर अच्छा लगा है, गुड्डू वाली और मेरी केमिस्ट्री अच्छी लगी है, सो आई एम हैप्पी। मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि सबने बहुत बहुत प्यार दिया, सो थैंक यू। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं नहीं, अभी पार्टी हुई, शूटिंग टाइम है उसके लिए जी। मैंने हाँ जी, मुझे शॉर्ट फिल्म्स बहुत पसंद है, और जो क्रिटिक शॉर्ट फिल्म अवार्ड, ये जो पहला साल है, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, और गुड शॉर्ट फिल्म्स विल बी रिकग्नाइज, सो आई होप दिस रियली हेल्प्स द मीडियम, और मुझे खुद शॉर्ट फिल्म्स बहुत पसंद है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग। हाँ जी, मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, अभी डेट रिलीज़ अनाउंस नहीं हुई है, वो अनुभव सिन्हा जी की है, मुल्क, अनुभव सिन्हा जी जिन्होंने मुल्क बनाई थी उनकी फिल्म है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसमें पंकज जी भी हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं, विनय पाठक जी हैं, और बहुत बहुत अच्छा कास्ट है, सो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म, और एक फिल्म है जो जल्दी शूट करूँगी, और गुरिंदर चड्डा जी की ब्रिटिश टीवी सीरीज़ है जो अगले साल रिलीज़ होगी। किसमें? अभी तो पार्टी शुरू हुई, मैं उसमें मैं एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाने वाली हूँ जी। तो हमारा काम चलेगा? नहीं नहीं, पर मज़ा आएगा आपको जी। किस तरह के सवाल पूछेंगे आप वहाँ पर? आपको देखना पड़ेगा, बहुत कठिन सवाल पूछती हूँ मैं। थैंक यू। हम तो बहुत खुश हैं कि ऐसे अगर शॉर्ट फिल्म्स को अच्छी अवार्ड्स दिया जा रहा है और रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, वो तो मतलब सब एक्टर्स सब डायरेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, सो वे ऑल वेरी एक्साइटेड दैट वे हियर कि ऐसा कुछ इवेंट हो भी रहा है शॉर्ट फिल्म्स के लिए, बहुत बड़ी बात है, सो वे वेरी एक्साइटेड। हाल फिलहाल की कोई शॉर्ट फिल्म जो आपने देखी हो? अभी तो मैं सोच नहीं सकती, अभी शॉर्ट फिल्म सोच रही है। मेरा कल एक शो शुरू होने वाला है, कल ही शूट है, लेकिन अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है, तो जैसे ही अनाउंस होता है तो मैं आपको बता दूंगी। नहीं, वो एक और वेब शो है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मतलब इस साल से अगला साल थोड़ा बेटर जाए, ज़्यादा अच्छा काम हो, सबके लिए अच्छा काम हो। हैप्पी न्यू ईयर किसको बोलूँ मैं? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन, वी होप यू हैव अ ग्रेट न्यू ईयर। थैंक यू। मैं अपना नाम बोलूँ क्या? अच्छा, हाई, दिस इज ईशा चोपड़ा, हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट 2019। थैंक यू। एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा पहला इस तरह का कोई इवेंट है जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एंड आई एम होपिंग कि एवरीथिंग विल गो वेल, और अच्छा होगा जो भी मैं देखूँगा, योर अवार्ड सेरेमनी ऑफ कोर्स। वी आर प्लानिंग टू डू कुछ, मैंने ही लिखी हैं, उसी को लेके कुछ प्लानिंग चल रही है, तो होपफुली 2 शॉर्ट फिल्म है जो हम जल्दी प्लान कर रहे हैं करने के लिए। आई थिंक मिड मार्च और अप्रैल, हाँ तब तक आएंगे। एक रियल थ्रिलर नहीं, एक ड्रामा है, बहुत ही रियल स्टोरी है वो, और लिखी है मैंने, वो मेरे ही कुछ एक पर्सनल इंसिडेंट्स हैं उसके ऊपर है वो शॉर्ट फिल्म, तो वी आर डूइंग दैट।